वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की वंदे भारत माता की जय माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम 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 भारत माता की जय भारत माता की जय 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 वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम 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 वंदे ये लोगों को जागरूक करने के लिए हमने तिरंगा रैली का आयोजन किया है, जो कि केंद्र की सरकार की तरफ से आया है कि इस बार हर घर में तिरंगा होना चाहिए और 13, 14, 15 तारीख को सभी लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराएंगे। और इसके पीछे सरकार की एक ही मंशा है, एक ही लक्ष्य है कि लोगों के अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावना पनपे। इससे पहले आप देखते थे कि ये जो हमारा तिरंगे का अभियान था ये 26 जनवरी और 15 अगस्त तक ही सीमित रहता था, लेकिन इस बार सरकार ने किया है कि हर घर में तिरंगा लहराया जाए। और मैं समझता हूँ कि इससे राष्ट्रवाद की भावना पनपेगी, लोगों के अंदर राष्ट्र के प्रति जो सम्मान है, राष्ट्र के प्रति जो होना चाहिए वो जागेगा, और लोगों को इस तिरंगे का एहसास होगा कि किन मुश्किल हालातों से गुजरकर इस तिरंगे को हासिल करने के लिए हमारे कितने शूरवीरों ने कुर्बानियां दी हैं। तो आज इसी के सिलसिले में हमने ये लोगों को जागरूक किया है कि हर आदमी अपने घर में तिरंगा जरूर।